अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास सिक्स। आज हमें पढ़ना है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। लेसन का नाम क्या है? शेर मैसूर टीपू सुल्तान। जुनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीखी शहर है। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। तबा जुनूबी हिंदुस्तान वो साउथस मंज। मैसूर एक तारीखी शहर है। मैसूर उस एक शहर ना, मगर यह तारीखी लिहाज उस अहम। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। कत शहर मज हैदर अली रोजान? मैसूर शहर में। वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। पनी हिम्मत पनी हौसले से कर तिम तरक्की बनाव इम मैसूर रियासत हुक्मरान हुकूमत करन वोल। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेजों ने मद्रास में अपना इक्तदाम कायम कर लिया था। दबा 18वीं सदी किस पत्मिन मरियन मंज हासे करक अंग्रेजो कत मद्रास में पन ताकत जमुवक। वो चाहते थे कि एक एक करके जुनूबी रियासतों को जेर कर ले। अंग्रेज कि एक एक नमोक जुनूबी साउथ रियासत हम करोक सारे फतह और अपनी हुक्मरानी कायम कर ले। अंग्रेज़ों ने बाज देसी रियासतों की मदद से हैदर अली की कुवत को कुचलना चाहा, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। हम कर एक वारिया कोशिश कि इस हासे हैदर अली हारनावन इस बाकी रियासतन नीश मिचक मदद, मगर तम हेक नि तम सिंदिस ताकत कहीं करे। हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। उसने तनहा अंग्रेजों को पे दर पे शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। सन 1782 ईस्वी में उसका इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल 1782 में हुआ? हैदर अली का। उस वक्त उसके बेटे फतेह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। 20 साल थी इस तम सुंद कोट ओस हैदर क्या ओस ना अमिस फतेह अली टीपू अम सुंद उम्र क्या ओस वुवोर क्या ओस वुवोर। हैदर ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतजाम किया था और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। एम हैदर तेमस पनिस नीचस वारिया असल तालीम आला तालीम दिन मज इंतजाम कोरमत। बे हसा उसन स जंगी तरबियत है सोसन सरी दिसमत। वो अपने बाप की तरह बाप हिम्मत हौसला मंद और दलेर था। सोस पनिस मल सिन पर ताकत वोल हौसल वोल उस टीपू फतेह अली टीपू। सैर व तफरी में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। यम ब्रहम बादशाह अम शिकार करने शिकार कर पसंद कसुन शिकार सुस सुन शिकार वो तलवार से शिकार करता था। दबा सो तलवार से शिकार करा शेर को बंदूक से मारना वो बुजदिली समझता था। अगर सुख है पी है बुत मारन गया बंदूक से तम सोस वन यह बुजदिली हन सुख ग मारन अत स तलवार से तो मारा सहस। उसके तख्त निशीन होने से पहले का वाका है। दबा तख्त पर बहन ब्रूट वाका ऐसा बोलन क्या वाका है कि एक रोज टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। दबा यह एक दह से गो टीपू का से एक फ्रांस किस अफसर से शिकार पे तथा हसा आसू बुत इस हसे फ्रांसक अफसर उस फ्रांसीसी अफसर उस एम हसे कोड बंदूक। टीपू ने उसको रोक दिया। उधर शेर तेजी से इन दोनों पर लिपका। टीपू ने बिजली की सी तेजी के साथ
झपट कर शेर पर वार किया और तलवार के एक ही वार में शेर की चारों टांगे उसके जिस्म से अलग कर दी। أمۍ رُکوو نہٕ أمِس بندوٗق، وۄنۍ کٔر أمۍ کٲم، ہورٕ آو سُہ، لَجے یِمن دۄنوَن پٮ۪ٹھ حملہٕ کرنہِ، أمۍ کوٚر یوٗتاہ حملہٕ یورٕ واپَس أمِس، أمۍ دِژ أمِس تلوارِ سۭتۍ، نیٖنَس أکی تلوارِ سۭتۍ کٔژ حظ ژۄنوَے زنٛگ ژٔٹِتھ۔ فرانسیسی افسر یہِ دیکھ کر دنٛگ رہ گیا، یُس فرانسیسی افسر اوس یہِ گوٚو واریاہ حٲران۔ اس واقع کے بعد سے ٹیپو کو شیرِ میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا، تَوَے چھِ أمِس وَنان شیرِ میسور، کَس میسور، أمِس ٹیپوَس، ییٚلہِ أمۍ یہِ واقعہ کوٚرمُت چھُ۔